तिवारी जी पीछे हो गए हैं, पीएम मोदी का रोड शो नहीं आया काम। नीलकंठ तिवारी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। वाराणसी दक्षिण शहर, दक्षिण कहते हैं वहां पर, और इस पर सबकी निगाहें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवा टोपी पहन करके रोड शो करते हुए नजर आए थे। याद कीजिए, रेड अलर्ट से भगवा अलर्ट तक हो गया था और उसके बाद ये रोड शो क्या काम नहीं आया है। लेकिन ये बहुत जल्दबाजी है, बहुत पहले हम लोग ये बात कर रहे हैं नीलकंठ तिवारी, लेकिन यहां पर पिछड़ रहे हैं अभी पोस्टल बैलेट में। तो उत्तर प्रदेश मजेदार है, यहां पर समाजवादी पार्टी 65, बीजेपी 110। ये आंकड़े अभी जैसे जैसे आ रहे हैं, ये आंकड़े आप तक हम पहुंचा रहे हैं और जैसे जैसे अपडेट हो रहे हैं फटाफट जिस प्रकार चीजें आ रही हैं। गोवा में देखिए कि कांग्रेस पार्टी 6 और बीजेपी 4, गोवा में कांग्रेस आगे है। मणिपुर में एक खाता खुला है, उसमें भी कांग्रेस आगे है। और पंजाब में आम आदमी पार्टी 32 और कांग्रेस पार्टी 18। तो ये तस्वीरें ऐसे बदलती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, ये आप देख रहे हैं। एक प्रतिक्रिया, अगर अमलेंदु जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अमलेंदु जी देख रहे हैं आप इन तस्वीरों को, क्या कहेंगे? देखिए अजय जी, दिलचस्प मुकाबले होने जा रहे हैं और अभी क्या शुरुआती है, तो एकदम से कोई भविष्यवाणी और इंतजाम से कहा नहीं जा सकता है जब तक कि कम से कम 10 राउंड के नहीं आ जाए रुझान जो है कुल मिलाकर के, तो 86 सीटों की जैसे उत्तर। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं वो निश्चित तौर पर यह साबित कर रहे हैं, मैं फिर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को आराम से बैठने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मतलब जो वो बैठे हुए हैं सोच करके कि सब ठीक ठाक है मामला और बल्ले बल्ले है, तो कतई नहीं है। बहुत भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देना, बिल्कुल आपके पास आऊंगा अमलेंदु जी, एक प्रतिक्रिया लूंगा। दीपक पासपोर्ट जी, दीपक पासपोर्ट जी, जो चल रहा है उसमें भी अब मणिपुर देखिए, ट्रिमेंडसली 4 सीटें, 0 बीजेपी, 0 है आदर्श, 0 है, 4 सीट पर कांग्रेस आगे है। क्या कहेंगे इस पहली प्रतिक्रिया पे? देखिए, ऐसा मेरा एक अनुमान था कि कांग्रेस वहां भी पहले के पिछले चुनाव का अनुभव लेते हुए जनता जो है कोई अनुकूल निर्णय